दोस्तों बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन की, जिनकी नई फिल्म दसवीं 7 अप्रैल को ओटीटी पर हो चुकी है रिलीज। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक बच्चन की नई फिल्म दसवीं आ चुकी है ओटीटी पर और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन एक अनपढ़ नेता का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आया था और अब फिल्म को भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही जया बच्चन ने भी इस फिल्म पर अपना रिस्पॉन्स दिया है। अभिषेक बच्चन ने ये बात खुद बताई है। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं अभिषेक बच्चन ने क्या कहा है अपने इंटरव्यू में। दोस्तों फिल्म दसवीं में अभिषेक बच्चन एक अनपढ़ राजनेता का किरदार निभा रहे हैं जो कि हरियाणा का सीएम है। फिल्म दसवीं का ट्रेलर दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था, जिस कारण हर कोई इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। यह फिल्म दर्शकों से भी अच्छा रिस्पांस ले रही है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म दसवीं को दर्शकों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हर कोई अभिषेक बच्चन की तारीफ कर रहा है। फिल्म दसवीं दर्शकों के साथ साथ अभिषेक बच्चन के परिवार को भी काफ़ी पसंद आई है और फिल्म दसवीं के बारे में बात करते हुए अभिषेक बच्चन ने खुद हमें बताया कि उनकी माँ को यह फिल्म काफ़ी पसंद आई है। दोस्तों अभिषेक बच्चन ने अपने इंटरव्यू में कहा, वैसे मेरी माँ काफ़ी ईमानदार है लेकिन मैं उनका बेटा हूँ, इसलिए वो मेरे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर उनको मेरा काम पसंद नहीं आता है तो वो मुझसे कुछ भी नहीं कहती हैं। हालांकि दसवीं देखने के बाद उन्होंने मुझसे बात की, ये मेरे लिए एक बड़ी बात है। इसका मतलब है कि उन्हें यह फिल्म काफ़ी पसंद आई है। दोस्तों इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के साथ निमित कौर और यामिनी गौतम को देखा जा रहा है। फिल्म में निमृत कौर ने अभिषेक बच्चन की पत्नी का किरदार निभाया है और वहीं यामी गौतम एक जेलर के रूप में नजर आ रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन ने जब से बॉलीवुड में कदम रखा है तब से वह अक्सर बिग बी से कंपेयर किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग उन्हें बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन से कंपेयर करते हैं, लेकिन ओटीटी के दौर में वो ऐसी फिल्में कर रहे हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं और अमिताभ बच्चन भी उन फिल्मों को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अभिषेक बच्चन के गुरु और युवा दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी और ओटीटी के ज़माने में वो ऐसी ही फिल्मों को साइन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले भी अभिषेक बच्चन ने एक ओटीटी की वेब सीरीज़ की थी जिसका नाम था ब्रीद इनटू द शैडोज, जिस वेब सीरीज़ में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की तारीफ काफ़ी जगह हुई थी। दोस्तों बात करें फिल्म दसवीं की, फिल्म दसवीं में अभिषेक बच्चन एक राजनेता का किरदार निभा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वह एक राजनेता के रूप में दिख रहे हैं जिनके लिए उन्होंने हरियाणवी भी सीखी थी। दोस्तों इस फिल्म में वह एक हरियाणा के सीएम का किरदार निभा रहे हैं और फिल्म में अभिषेक बच्चन के अलावा निमृत कौर और यामी गौतम भी हैं। दोस्तों इस फिल्म को दर्शकों से बेहद प्यार मिल रहा है। अभिषेक बच्चन के फैंस उन्हें इस नए अवतार में देखकर काफ़ी खुश हो रहे हैं और उनकी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं।